जैसे कि अभी सारे इंडस्ट्री में आजकल सभी खुलके सभी बात कर रहे हैं एज अ नेपोटिज्म के ऊपर, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? यू हैव केम फ्रॉम फिल्मी बैकग्राउंड। मैं नेपोटिज्म में विश्वास नहीं करता, मुझे लगता है कि टैलेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और नेपोटिज्म एक अच्छी बात नहीं है। अपना एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जब मुझे इंडस्ट्री में आना था, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा ये दस्तूर है, फादर बेटे को लॉन्च करता है, मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँगा और आपके लिए हम एक स्पेशल फिल्म बनाएंगे। तो मैंने पिताजी को कहा कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड हाथ जोड़ के थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं खुद स्ट्रगल करूँगा। तो सुरेश सर ने आपको कोई एडवाइस दी थी? हाँ, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि मत करो स्ट्रगल, स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने कहा बेटा इतना डिफिकल्ट है, मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, बहुत मुश्किल है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने स्ट्रगल की, आप मेरा आदर्श हो, आप मेरा आइडल हो, तो मैं भी वैसे ही स्ट्रगल करूँगा। डेढ़ साल ऑलमोस्ट मैंने खुद स्ट्रगल किया, ऑफिस में जाके 8-8 घंटे 9-9 घंटे मुझे ऑफिस के बाहर वेट करना पड़ा। किसी को मैं बताता नहीं था कि मैं किसका बेटा हूँ, मैंने अपना नाम सिर्फ विवेकानंद रखा था जो मेरा मिडिल नेम है, विवेकानंद ऊपर बोलता ही नहीं था, मैं विवेकानंद हूँ, विवेकानंद हूँ। और इंडिया में एक चीज़ बहुत मिलती है फ्री एडवाइस, और ज़्यादातर बुरी होती है, तो लोग बोलते थे कि आप मत करो काम, छोड़ दो एक्टिंग, नौकरी कर लो, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पे काम शुरू कर दो, ऐसे एडवाइस मुझे अभी भी याद है। लेकिन जितना लोग ऐसे बोलते थे, मैं और अपना मन बनाता था कि आई विल डू इट। पिताजी कितना बोलते थे, आर यू श्योर, यूर ओके, स्ट्रगल कर रहा है, टफ इतना है, मेंटली इतना रिजेक्शन फेस करना, यू ओके? मैंने कहा अगर मैंने ये फेस करके पार कर लिया ना, तो मैं लाइफ में कुछ भी फेस कर सकता हूँ। और कंपनी हुई और मेरे मेरिट पे हुई, टैलेंट पे हुई, टैलेंट की वजह से अवार्ड जीते, नाम हुआ, काम आज करियर बना। तो आई थिंक टैलेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नेपोटिज्म में विश्वास नहीं करता।